आज जो रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ उससे आपको इंस्टेंट ग्लो मिलेगा। इससे आपके चेहरे का रंग गोरा होगा, दाग धब्बे गायब होंगे, पुरानी से पुरानी झाइयों को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। ये रेमेडी 100% वर्क करेगी। अगर आपके फेस पे धूप की वजह से काली परत जम गई है तो वो भी पूरी तरह से रिमूव हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशु वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल नेचुरल ब्यूटी विद अंशु में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर देखते हैं कि रेमेडी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें यहाँ पे लेना है 1 चम्मच चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप इसकी जगह पे बेसन भी ले सकते हैं। 1/2 चम्मच हमें यहाँ पे ऐड करना है एलोवेरा जेल। इस रेमेडी को हम तुरंत बनाएंगे, तुरंत अप्लाई करेंगे, स्टोर करके नहीं रखना है। तो इस रेमेडी में आप चाहिए तो अगर आपके पास प्लांट है तो प्लांट वाला फ्रेश एलोवेरा जेल भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 8 से 10 बूंदे हम यहाँ पे ऐड करेंगे बादाम ऑयल। 1/2 चम्मच हमें यहाँ पे चाहिए दूध की मलाई। अगर दूध की मलाई आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे कच्चा दूध भी ले सकते हैं। मैं दूध की मलाई ऐसे ही रख देती हूँ, कभी कभी फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ क्योंकि सर्दियों में स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो बिना कुछ मिक्स किए भी अगर आप दूध की मलाई अपने चेहरे पे अप्लाई करते तो स्किन बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा ऐड करना है रोज वाटर। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ सा पेस्ट हमें बना लेना है। ये रेमेडी बहुत ही इफेक्टिव है, इसे ऑल टाइप स्किन वाले लोग यूज कर सकते हैं। अगर आप इसे हफ्ते में एक बार अपने चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो चेहरे के दाग धब्बे रिमूव हो जाएंगे, स्किन पे ग्लो बना रहेगा, स्किन टाइट हो जाएगी, ब्राइट हो जाएगी और रूखेपन की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी आपको सर्दियों में। तो रेमेडी यहाँ पे हमारी रेडी हो गई है। सबसे पहले हमें फेस को अच्छे से पानी से वॉश कर लेना है, उसके बाद हमें इसे पूरे चेहरे पे अप्लाई करना है। जिस तरह से हम फेस पैक अप्लाई करते हैं उस तरह से एक थिक सा लेयर हमें इसका लगाना है। और अगर आपके फेस पे अनवांटेड हेयर है तो जब ये ड्राई हो जाएगा 10 से 15 मिनट के बाद तो आपको इसे ऐसे ही फेस पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, फेस पैक को गीला नहीं करना है, ड्राई ही फेस पैक को आपको मसाज करते हुए रिमूव करना है। तो इससे आपके फेस पे जो फेशियल लेयर है वो भी रिमूव हो जाएंगे, डेड सेल्स है, रूखेपन की समस्या है, तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके फेस पे अनवांटेड हेयर नहीं है तो फेस पैक को आपको गीला करना, आप चाहिए तो कच्चा दूध ले सकते हैं, रोज वाटर ले सकते हैं या फिर राइस वाटर ले सकते हैं। फेस पैक को गीला करना है, स्मूथली मसाज करना है 3 से 4 मिनट तक। सेम वही चीज़ जो ड्राई फेस पैक को आप रिमूव करेंगे जो बेनिफिट मिलेगा वही बेनिफिट आपको यहाँ पे भी मिलेगा। अगर आपके फेस पे अनवांटेड हेयर नहीं है तो कच्चा दूध लेना है, फेस पैक को गीला करना है, 3 से 4 मिनट तक आपको मसाज करना है। तो ये जो एक रेमेडी है ये फेस पैक का भी काम करेगी, स्क्रब का भी काम करेगी। स्क्रब हमारे स्किन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। एटलीस्ट 10 से 15 दिनों में एक बार हमें अपने चेहरे पे स्क्रब जरूर करना चाहिए। इससे हमारे फेस पे जो गंदगी होती है, डेड सेल्स होती है, ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, इन सारी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है। यहाँ पे हमने बादाम ऑयल का इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास बादाम ऑयल नहीं है तो उसकी जगह पे कोकोनट ऑयल आप ले सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है तो बादाम ऑयल का ही इस्तेमाल कीजिए। बादाम ऑयल से हम अपने चेहरे के दाग धब्बों को रिमूव कर सकते हैं, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। बहुत सारी होम रेमेडीज में बादाम तेल का यूज किया जाता है। बादाम के तेल से अगर हम मसाज करते हैं तो हमारे फेस पे जो झुर्रियाँ होती है, फाइलाइंस होती है, आंखों के नीचे काले घेरे होते हैं, पिगमेंटेशन जैसे दाग धब्बों को हम रिमूव कर सकते हैं बादाम तेल के इस्तेमाल से। नाइट में जब आप सोने जाते हैं बस 2 से 3 ड्रॉप बादाम तेल लीजिए, फेस पे मसाज करिए, ओवरनाइट के लिए छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में जब आप उठोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने फेस पैक रिमूव किया है। फेस पैक रिमूव करने के बाद आपको कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही स्किन बिल्कुल स्मूथ लग रही थी क्योंकि इस रेमेडी में हमने मलाई का इस्तेमाल किया है, बादाम ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो आई होप ये रेमेडी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के साथ।